ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भिवानी के अंदर हैं हम इस वक्त और एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो इस वक्त बहुत गंभीर माना जा रहा है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बोझ को कैसे कम किया जाए, उनको उस प्रेशर से किस तरह से बचाया जाए जिसको लेकर वो हमेशा अपने साथ चलते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तरक्की वो उस बिना पर करें कि उनको अपने बचपन के साथ खिलवाड़ करना पड़े। इस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट से एक सवाल उठा था हम ब्रेक पर जाने से पहले, एक बात कर रहे थे मैम ने कहा कि यहाँ पर बैठे बच्चों से पूछा जाए कि वो क्या करना चाहते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि वो करना क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, किस तरह की चीजें हैं। क्या नाम है आपका? अनिकेत। अनिकेत किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 11th। अच्छा, क्या करना चाहते हैं, आपने क्या सोचा अपने बारे में? आई एम एयरफोर्स। एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, वेरी गुड। आप? प्रदीप सर। आप क्या करना चाहते हैं? सर आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस बनना चाहते हैं। अच्छा, क्यों बनना चाहते हैं आप आईएएस? सर घर की सिचुएशन भी है सर, और वैसे सर हमें अच्छा भी लगता है सर। घर की सिचुएशन क्या है, घर वाले चाहते हैं कि आप आईएएस? हां यस सर। आईएएस बनना जी सर। सर ऐसा अगर बात रेफरेंस बुक्स की करें, जैसे हमारी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो अप टू 10th क्लास मोर देन सफिशिएंट है, बट पेरेंट्स को होता है कि उसको एक्स्ट्रा दिया जाए, कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए, वो रेफरेंस बुक्स पे जोर देते हैं। और रेफरेंस बुक्स जो होती हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा उन पब्लिशर्स का, बट दे हैव मोर देन एरर्स, मोर एरर्स, इतनी एरर्स होती हैं, टेक्निकल एरर्स होती हैं जो कि बच्चे को नॉलेज खराब ही कर रही हैं। और एडिशनली जो वेट की बात करें, वो बैग का वेट बढ़ा रही हैं। तो इस चीज़ पर बच्चों को या पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए कि एनसीईआरटी बुक पर ही ध्यान दें। ये पब्लिशर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि मुनाफा है, पैसा कमाना है, स्कूल्स के साथ भी सेटिंग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ बुक्स होती हैं वो मोर देन 16 एडिटर्स के द्वारा एडिट की जाती होती हैं, जो एरर लेस होती हैं, लेकिन वो वक्त पर नहीं आती हैं, मसला ये भी है। आपका क्या नाम है? आशीष। आशीष क्या करना चाहते हैं, आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? प्लस टू में आई बिकम ए सी ए। सी ए बनना चाहते हैं, क्यों? सर इन में सर सोच रखा है बचपन से। एक बात ये भी है कि क्या पेरेंट्स की भी इस तरह की सोच होती है कि अगर कम किताबें होंगी तो उनको लगता है कि बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में तो किताबें ही नहीं है ठीक से। ये सर डिजाइन किया गया है सारा प्रोग्राम और जो पेरेंट्स के माइंड में फिट कर दिया गया है। गवर्नमेंट अगर एक बार ये स्टेप ले ले कि एनसीईआरटी की बुक्स ही लगेंगी सभी स्कूल्स में, अदर देन एनसीईआरटी कोई बुक ही नहीं लगेगी, प्राइवेट पब्लिशर्स बंद हो जाएंगे, जो वो सुमो साइज बुक हैं वो बंद हो जाएंगी। एनसीईआरटी बुक्स आर द जीरो साइज बुक्स, वो बहुत ईजी हैं, पढ़ने में अच्छी हैं, लाइट वेट हैं, बैग अपने आप हल्के हो जाएंगे। There is no need of such kind of debates. सिर्फ एक ही काम करना है। प्राइवेट बुक्स जो है ना वक्त पर नहीं आती, उसके संगे शिकायतें रहती हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो इसीलिए नहीं आ रही है ना क्योंकि प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक बाकी सभी स्कूल्स में लगी हुई है। एनसीईआरटी की कोई मांगता ही नहीं है, जब डिमांड करेंगे तभी सप्लाई होगा ना, एक ही काम है। तो ये सरकारों को कदम उठाने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारी सरकार अगर कुछ ठान ले, कोई भी सरकार हो कभी भी रही हो, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो अभी तक उन्होंने ठीक से ठाना नहीं है कुछ करने के लिए। एक बात और सर, जब तक आप उस चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट नहीं होगे तब तक वो चीज़ आप लागू कर ही नहीं सकते। आप हमारे उसमें ले लीजिए, एज अ डॉक्टर मैं बताती हूँ, जैसे ये कन्या भ्रूण हत्या वाला चला, सर प्यार से सरकार ने बहुत समझाया, सबको समझाया, किसी के नहीं समझ में आया। जब जेलें हुई, फाइन्स लगे, अल्ट्रासाउंड्स पे छापे पड़े, सब सर फुल्ली नहीं कह सकते आप, 99% कंट्रोल में आ गया। तो हर चीज़ के लिए यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। और गवर्नमेंट ने तो सर रातों रात जब नोट बदल सकते हैं तो बुक्स बदलना तो कोई बड़ी बात नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट कि जब रातों रात नोट बदल सकते हैं, जब रातों रात हम लाइन में लग सकते हैं, तो फिर ये वक्त आ चुका है कि अब सरकारों को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और एनसीईआरटी बुक्स का जो नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, हमारे को प्राइवेट स्कूल्स को ये इंस्ट्रक्शंस आई कि एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ाई जाएं, इट इज़ वेरी गुड स्टेप। ये मैडम के कहने से मैं बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ सहमत हूँ कि ये बुक्स लाइट वेट हैं और बिल्कुल इनका रेट भी बहुत कम है और इसके अंदर सारा कुछ है। सीबीएसई का जो पेपर है या और भी बोर्ड्स के जो पेपर हैं, इसमें से 100% पेपर आता है, नो नीड ऑफ अदर बुक्स। दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट जहाँ हम बुक्स के लोड को बच्चों के ऊपर से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों के ऊपर से बुक्स का लोड जो कम हो जाएगा तो क्या फिर बच्चे बहुत बेहतर कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में? आज हम देख रहे हैं कि वो आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन घुटे घुटे एक माहौल में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ बुक्स के बोझ का मैटर नहीं है, एक पूरा डेवलपमेंट जो होता है पर्सनालिटी, वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के थ्रू हो सकता है। एक तो उसका फैमिली एटमोसफेयर कैसा है, देन द सोशल एटमोसफेयर जहाँ वो रह रहा है, जिस तरह के स्कूल में वो पढ़ रहा है, फिर वहाँ पर जो जैसे बोलते हैं ना कि टीचर पीपल रिलेशनशिप कैसा है। जो भी आपने एग्जाम्पल दिया रियान इंटरनेशनल का, प्रद्युम मर्डर का केस का, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई स्कूल में बच्चा 11वीं तक पहुंच गया है
बट आई एम नॉट श्योर कि वो वहाँ पे चाइल्डहुड से था, बट चलो जब भी एडमिशन लिया होगा, प्रायः से अच्छे स्कूल में होता है कि वो शुरू से है तभी उनको एडमिशन मिलता है। यदि वो वहाँ पे इतना साल उसने बिताया तब भी उसके मन में ऐसा भाव आ सकता है कि मुझे एग्जाम टालना है, छुट्टी कराना है, जो पेरेंट टीचर मीटिंग है उसको पोस्टपोन करना है, उसके लिए एक बच्चे को मर्डर कर दो। तो हम इसमें एनसीईआरटी बुक्स, प्राइवेट बुक्स या सरकार के नीतियाँ कानून, इनसे कुछ नहीं लेना देना है। अब बच्चों का आपने इतना विकास भी नहीं कर पाया, वो बच्चा पीटीएम मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए, एग्जाम पोस्टपोन करने के लिए बच्चे का मर्डर कर सकता है। इवन हाउ कैन ही थिंक अबाउट दैट, ये सब बड़ा मुद्दा है। स्कूल को उस पर ध्यान देना होगा तभी उसका विकास हो पाएगा। स्कूल्स को और भी बहुत सारी बातों पर ध्यान देना है, और अभी वो सीबीआई की जांच का मामला है तो कोई हम कह भी नहीं सकते, वो एक मिसाल दी गई है उस केस की। आप कुछ कह रही थी कि आपको क्या लगता है टीचर्स को कदम उठाने होंगे, स्कूल्स को कदम उठाने होंगे, सरकारों को अब कुछ करना होगा, या फिर पेरेंट्स को अपनी सोच बदलनी होगी कि बच्चे परेशान ना हो, प्रेशर में ना जिए। ये टीचर्स की, पेरेंट्स की और स्कूल की ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आईक्यू लेवल बच्चे का इंक्रीज करना चाह रहे हैं, पर वो ये नहीं देख रहे कि ईक्यू लेवल कहाँ जा रहा है बच्चे का। इमोशनली बच्चा इतना वीक हो चुका है आज, वो आईआईटी में एडमिशन होने के बाद वो जब उसने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया है पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कि हमारा बच्चा आईआईटी में चला गया, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, फिर क्यों वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है? उनको ये चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। वो इमोशनली इतना वीक है, लोगों की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है उससे कि अब ये आईआईटी कर रहा है बच्चा, ये रोल मॉडल हो गया है दूसरे बच्चों के लिए या फिर अपने पड़ोसी के बच्चे के लिए, तो रिश्तेदारों के बच्चों के लिए। वो उसे हमेशा सिर्फ पीक पे देखना चाहते हैं, अगर वो थोड़ा भी लो जाएगा तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ अपने आप जा रहा है, क्योंकि उसे कोई ये कहने वाला नहीं है कि आपने थोड़ा कम किया तो भी ये चलेगा। वो एक्सपेक्टेशन है कि आप हमेशा हाई पे रहो। यानी दो नंबर अगर कम आ जाते हैं, 2% अगर कम आ जाते हैं, तो पेरेंट्स की तरफ से मिसाल दे दी जाती है कि देखें उनको, देखें उनके बच्चे ने कितने अच्छे नंबर अचीव किए हैं। तो इस सोच को सिर्फ फिर पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत है कि उनको थोड़ा सा बहुत जल्द फैसला करना चाहिए, कुछ करें वो, क्योंकि अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। सभी अपने बच्चों का और स्टूडेंट्स का भी, जो टीचर्स हैं स्टूडेंट्स का ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हर एक बच्चा ये चाह रहा है कि मेरे उससे ज़्यादा मार्क्स आए, कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है। जब एक विद्यार्थी को ये सिखाया जाएगा कि आपको दूसरे से कंपटीशन नहीं, खुद से कंपटीशन करना है, आप पिछले दिन से कितना बेहतर कर रहे हैं खुद को, जब ये सोच आ जाएगी मन में, तो आप देश दुनिया किसी भी कोने में हो, आप जब खुद से ही कंपटीशन करेंगे तो आप हमेशा जिंदगी में बेहतर करेंगे। मुझे ये कहना है कि जरूरी नहीं कि हर बच्चा IITian क्रैक करे या फिर डॉक्टर बने, इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं। वो पत्रकारिता में जा सकता है, म्यूजिशियन बन सकता है, सिंगर बन सकता है, और भी फैशन डिजाइनिंग कर सकता है, इतनी सारी क्रिएटिव फील्ड हैं। जरूरी नहीं कि वो उसी में ही अपना टैलेंट शो करे, और टैलेंट शो करने के लिए एक सबसे बड़ी जरूरी बात है कि टाइम टू टाइम आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस ज्वाइन वो करानी चाहिए, ऑर्गेनाइज करानी चाहिए, ताकि बच्चे को जीने की कला आए। अगर वो सीख गया तो वो डेफिनेटली किसी फील्ड में पीछे नहीं रहेगा। कुछ सुझाव, कुछ उपाय और कुछ सुधार, अब आखिरी सेगमेंट में मैं इसी पर बात करूंगा कि किस तरह से हो सकते हैं। मैम आपको क्या लगता है किस तरह से सुधार हो सकता है, बच्चे ठीक से पढ़ पाएं, अपना ठीक से विकास भी कर पाएं, माँ बाप की अपेक्षाओं पर भी खरा उतर पाएं और बड़े आराम से जिंदगी गुजारें? स्कूलों में अदर एक्टिविटीज होनी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे, आपको क्या लगता है? अच्छा आपने क्या सोचा, आप क्या करते हैं अभी? मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं आप जर्नलिज्म? मेरे को फील्ड में अच्छा लगता है, फील्ड अच्छी लगती है, नाम कमाना। घर वालों ने कुछ कहा कि यार और कुछ कीजिए आप? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, मेरे घर वालों का, कि स्टडी में तू ये कर, उसका बच्चा ये कर रहा है तू ये कर, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। पेरेंट्स को समझना चाहिए, अपने हर एक बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, स्पोर्ट्स में भी कर सकता है बच्चा। चाहिए आज इतने स्पोर्ट्स मैन है, कितनी अचीवमेंट कर चुके हैं वो लोग। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चे के ऊपर प्रेशर ना डालें, कंपटीशन ना करें अदर बच्चों के साथ उसका। अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं तो फिर क्या हो? एक पेरेंट्स हैं वो बच्चे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो बच्चे को उनके साथ अपनी सारी बातें उनको शेयर करनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी शिक्षा का स्तर है, सरकार हर 5 साल में बदलती है, उसके साथ साथ वो किताबें बदल देती है, ये सबसे गंदा है, क्यों सरकार को इसके प्रति कदम उठाने चाहिए। दूसरी बात, हम कह रहे हैं डिजिटल इंडिया बने, तो डिजिटल स्मार्ट क्लासेज प्रयोग की जानी चाहिए। मैं एक पेरेंट्स होने के नाते बताना चाह रहा हूँ, जैसे है ना एडमिशन के टाइम पे एक मेरे पेरेंट्स पर ही सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। जी मैं बता रहा हूँ सर, एडमिशन के टाइम पे ना स्कूल वो
पंपलेट वगैरह सब आते हैं, स्मार्ट क्लासेज हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं पहुंच पा रही हैं स्मार्ट क्लासेज। बच्चों को या तो उनके प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है उनके पास जो स्मार्ट क्लास से बच्चों को स्टडी दे सके, बच्चे उसके स्मार्ट क्लास से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वही रटाफिकेशन वही सिस्टम चल रहा है सभी स्कूलों में। एज अ टीचर और एज अ पेरेंट मेरा यही मैसेज है सबको कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रयास करें। हमारा एम होना चाहिए कि बच्चा एक अच्छा इंसान बने। एक अच्छा इंसान बनेगा तो वो कुछ भी बन जाएगा, जो भी वो उसकी लाइफ में एम होगा। और इसके अलावा हमारी सोसाइटी में सचिन तेंदुलकर भी हैं जो स्टडीज में उतने अच्छे नहीं थे, हमारी सोसाइटी में एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं जो बहुत स्टूडियस थे, बोथ वर क्वाइट सक्सेसफुल। तो हमें सब फेजेस को लेके चलना है, एक थ्री हैंड शेक होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर और पेरेंट मिलके अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी सोसाइटी आएगी। थैंक यू। ठीक है, तो सबको मिलकर काम करना होगा। आप कुछ कह रही थी, आप क्या करती हैं, किस क्लास में आप? सर मैं 11th क्लास में हूँ। क्या सोचा है आपने, क्या क्या करना है आगे, क्या पढ़ना है फिर? मेरे को IPS बनना है और ये मेरा सपना है। मैं कुछ बन के कुछ अच्छा करना चाहूँ, मैं कुछ अच्छा करूँ। मैं पुलिस बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे नाना भी पुलिस थे, मेरे दादा भी पुलिस थे। क्या करेंगे पुलिस बनकर आप, मतलब सिर्फ दादा नाना थे इसलिए? नो सर, क्योंकि मैं भी देश की रक्षा करना चाहती हूँ क्योंकि। चलिए शुभकामनाएं आपके साथ, आप पुलिस बनिए, देश की रक्षा कीजिए, बहुत आगे बढ़िए। आप कुछ कह रहे थे? सर नमस्कार सर, मैं मास्कों का स्टूडेंट हूँ सर, मेरे को सरकारी नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। मैं पत्रकारिता में जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपना नाम करना चाहता हूँ सर, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आजकल जो पढ़ाई है ना सर, वो सिर्फ अंकों की रहेगी सर, ज्ञान उसमें कम है, लेकिन सिर्फ नंबर आ गए, मुश्किल से नंबर आ गए। पेरेंट्स भी हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा सबसे आगे निकले सर, लेकिन फिर उसके बावजूद पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता सर। जैसे मेरा दिमाग इतना ज़्यादा नहीं है, उसका दिमाग इतना ज़्यादा, तो मेरा अगर सेट में नंबर है तो सर मेरे को संतुष्ट न करना चाहिए पेरेंट्स को कि इतने नंबर अच्छा है, ठीक है काम चल जाएगा इसका भी, लेकिन तुलना नहीं करनी चाहिए इससे कि बच्चे के दिमाग में मेंटली डिस्टर्ब हो बंदा। तो बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई हैं, एक तो तुलना नहीं करनी चाहिए बच्चों के बीच में, पेरेंट्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए, स्कूल्स की तरफ से जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उन दावों पर खरा उतरना चाहिए, शिक्षा प्रणाली में बेहद ज़रूरत है सुधार की वो करना चाहिए। बातें हो रही हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहे हैं, फिर आखिर इन तमाम चीज़ों को लेकर सुधार कैसे आए, उस पर हम आखिरी प्रतिक्रिया में किस तरह से सुधार आएगा, किस तरह से कोशिश हो, कौन करेगा। देखिए पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, उनको बच्चे को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पढ़ाई में आगे बढ़े। स्कूल्स की अपनी एक कोशिश है, वो उनको पैसा भी कमाना है, प्राइवेट स्कूल्स को बहुत सारे काम करने हैं, पब्लिशर्स भी हैं, उनके साथ भी सेटिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर सुधार कैसा आएगा, कौन करेगा, कौन है ऐसा जो सुधार कर सकता है? सर देखिए हम एक पहलू को छू के आज बात कर रहे हैं सिर्फ। मैं आपसे पूछूंगी क्या आपका बैग भारी नहीं था? मेरा बैग भारी नहीं था। क्या हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते थे हम कुछ अच्छा बने? लेकिन पिज़्ज़ा बर्गर और एसी में रहने वाले बच्चे के लिए आप आज से 10 साल बाद एक और ऐसी गोष्ठी हो रही होगी जिसमें 4 कॉपियों के बोझ की भी बात हो रही होगी। हमारे ग्रामीण प्रवेश के बच्चे हैं, आप उनसे देखिए, वो आज भी 10 किलो बोझ उठाकर खेल रहे हैं, कॉम्बैट कर रहे हैं, बाउट कर रहे हैं, पूरा अच्छे खिलाड़ी बन रहे हैं। तो बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं इस चीज़ से, सिर्फ एजुकेशनल सिस्टम ही नहीं, पेरेंट्स का अप्रोच, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज वो पूरा एक हॉल है जिसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो जो सुधार है वो एक दिशा से कहीं से वो विशेष सर्कल तोड़ना है, तो उसके लिए सबसे पहली पहल जो है वो है पॉलिसी मेकर्स की तरफ से, पॉलिसी मेकर स्टार्ट करें ये चीज़ें। मैम आपको क्या लगता है कि सुधार किस तरह से आएगा, किस तरह से बच्चे आगे बढ़े ठीक तरीके से जिस तरह से वो चाहते हैं? सर अभी तो बच्चे अपने पेरेंट्स का ड्रीम जी रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स बन नहीं पाए वो चाहते कि हमारे बच्चे बन जाए। जिस दिन हम अपने बच्चों को उनके खुद के ड्रीम्स जीने देंगे उस दिन सब चीज़ों में सुधार आ जाएगा। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा बच्चा क्लास 8 से गेम डिज़ाइनर बनना चाहता था, मैंने उसे पेंटिंग एज अ मेन सब्जेक्ट दिया, लोगों ने कहा बीइंग प्रिंसिपल आपका बच्चा साइंस नहीं पढ़ रहा है, मैंने कहा ही इज़ गुड इन आर्ट, ही विल डू दैट एंड ही इज़ अ गेम डिज़ाइनर टुडे एंड आई एम रियली प्राउड। यंगर वन डिड मास मीडिया एंड ही इज़ अ रैपर, ही इज़ कमिंग, हिज एल्बम्स आर कमिंग। सो आई गेव देम, आई सेड कि दिस इज लाइफ इज वंस, जो तुम्हें जीना है, जो तुम करना चाहते हो डू दैट। जब हम उनको पंख देंगे तभी वो उड़ेंगे ना, उनको रास्ता दिखाना हमारा काम है, उनका साथ देना हमारा काम है। हर बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर और IIT नहीं क्रैक कर सकता। और पंख देने के लिए खुला आसमान देना भी बहुत जरूरी है, तभी तो वो उड़ पाएंगे, और वो माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं। माँ बाप शुरुआत घर से ही होती है मैम, उसमें स्कूल्स का कितना रोल है? सर स्कूल्स अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उस बेस्ट करने के चक्कर में कभी कभी बच्चों पर प्रेशर पड़ता है, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो ये जो आप एक साइकोलॉजिकल क्लासेस है ना, इनको पेरेंट्स के लिए लगाइए,
आप पेरेंट्स को बताइए कि आपका बच्चा क्या कर सकता है और आप उसको वो करने दीजिए। पेरेंट्स को पता ही नहीं है मेरा बच्चा कहाँ एडवांस है, मेरा बच्चा किस सब्जेक्ट में ओके है, और वो थोपे जा रहा है उस पर कि नहीं तूने साइंस लेनी है और तूने साइंस में सब कुछ करना है। टीचर्स पहचानते हैं आपके बच्चे की, प्रिंसिपल पहचानती हैं क्लास की। आप हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में एक क्लास उनके लिए दीजिए, उनको बताइए कि आपका बच्चा किस में बेस्ट और कर सकता है। लेकिन सर बहुत जिम्मेदारियां आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं इस दौरान, क्योंकि आप जो चाहें तो आप वो करवा सकते हैं, सरकारें जो चाहें, बोर्ड जो चाहें वो अपने फैसले, क्योंकि अब शायद ऐसा वक्त आ चुका है कि अब बातों से काम नहीं चलेगा, अब तो फैसले लागू करने होंगे तभी लोग मानेंगे। शिक्षा का कार्य शिक्षाविदों के पास होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों के पास ये कार्य नहीं होना चाहिए। शिक्षा के जो नीति निर्धारक हैं वो शिक्षक ही होंगे तो ही हम शिक्षा को उचित दिशा में ले जा पाएंगे। मैम आपके नज़दीक सुधार किस तरह से हो सकता है और अब कितनी ज़रूरत है और कितनी जल्दी हो जाना चाहिए? बहुत जल्दी हो जाना चाहिए सर, पेरेंट्स को अभी नॉलेज ही नहीं है कि और भी स्कोप है बच्चों के लिए, हमारे स्पोर्ट्स में भी बच्चा जा सकता है। तो अगर उनको हम अवेयरनेस दें कि ये स्कोप है इस एरिया में जाके, इसमें भी बच्चा अच्छा अर्न कर सकता है, और अगर हम पेरेंट्स को ये एक्सपोजर दें, नॉलेज उनको नॉलेज दें अच्छी तरह से, तो आई थिंक ये इम्प्रूव हो सकता है। यहाँ बैठे तमाम पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हाँ बस्ते का बोझ कम होना चाहिए, बच्चों को वक्त मिलना चाहिए अपनी ज़िंदगी के लिए भी, क्योंकि उनको भी बहुत कुछ करना है। तमाम स्टूडेंट्स भी ये चाहते हैं, टीचर्स हैं हमारे खास मेहमान हैं वो भी ये चाहते हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है? क्यों सुधार नहीं हो पा रहा, क्यों चीज़ें नहीं बदल पा रही हैं, फिर दिक्कत कहाँ पर? सभी तो चाहते हैं, पूरे देश में हम कहीं भी जाएंगे किसी से भी बात करेंगे वो कहेंगे हाँ जी बस्ते का बोझ बहुत ज़्यादा है, कम होना चाहिए और बच्चों को समझना चाहिए, माँ बाप समझें कि उनका बच्चा क्या चाहता है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? देखिए जो परिणाम आएगा वो सामूहिक प्रयास से आएगा। यदि हम एक बच्चे का जो एक्टिव क्वालिटी टाइम होता है, ठीक है, उसका जो मेजोरिटी पार्ट है वो स्कूल में बिताता है, तो सबसे अहम भूमिका तो शिक्षक शिक्षिका मैंने स्कूल का है, देन फिर ये परिवार की जो उसका जो माहौल है उसकी समझदारी का, माता पिता हों, आस पड़ोस के हों, संबंधी हो, उनकी समझदारी है। तीसरा और बहुत पार्शियल जो है, मार्जिनल जो है उसमें पार्ट, वो है सरकार का, नीति बनाती है बस। लेकिन इन सब के अलावे भी जो सबसे अहम है, हमें ये देखना होगा कि जो हम समाज में हम क्या हर एक के कंट्रीब्यूशन को ड्यू रेस्पेक्ट देते हैं क्या? यहाँ क्या है कि एक मैकेनिक है तो उसको हम बहुत तुच्छ समझते हैं, यदि मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ तो बड़े सम्मानित पद पर, जबकि हम वी आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, हम समाज में योगदान सभी कर रहे हैं, तो हमें उस गैप को पाटना पड़ेगा। तो जब ऐसा हो जाएगा तो अपने आप बच्चा जो अपने स्किल को बढ़ा कल को यदि मैकेनिक भी बनेगा उसका उतना ही सम्मान होगा, चाहे वो आईएएस बन गया तो भी समाज को ही सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबके आधार पर समाज बनेगा। ठीक है सर, इस भारी भरकम बोझ को अपने कंधे पर लादने के बाद बच्चा पढ़ता है, आगे बढ़ता है, फिर उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे फेसेस उसके सामने आते हैं, तो उस दौरान वो क्या महसूस करता है, क्या होता है, फिर आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं, आप मनोवैज्ञानिक हैं, क्या देख रहे हैं आज के ज़माने में? आज के ज़माने में मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत सी डिग्रियां लेके ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनके पास वो डिग्री है, अगर आप उस डिग्री को देखिए भारत के अंदर इन डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। हम क्रिएटिव आदमी हैं, हम ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, अगर हम उस वे में जाके हम अपने बच्चों का विकास करते हैं, हम अपने बच्चों की परसेंटेज ना देखें। एक बच्ची ने जैसे कहा था EQ, उसको इमोशनली रूप से हम एडजस्ट करना चाहें और उसको दिखाएं समाज में। शिक्षा नीति है हमारी दूसरी सबसे गलत है। कितनी किताबें पढ़ते हैं हम, उन किताबों में से कितने भारतीय राइटर हैं, रिसर्च हुई है 1940 में हुई थी, 1840 में हुई थी, वो किताबें आज हम पढ़ रहे हैं, उनका कोई तथ्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है आज हमारे समाज के लिए। हम अपने द्वारा निर्मित, और दूसरा हमारा ये क्या होता है कि जो एसी रूम में बैठ के और वहाँ प्लानिंग कर दी जाती है, अगर वो जो एसी रूम में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उनको धरातल पे आके ये चीज़ करने के लिए बोला जाए तब हम ये मान लेंगे कि वो शिक्षा नीति में बदलाव है, और जब तक वो धरातल पे नहीं आएंगे तब तक बदलाव नहीं हो सकता। ना कोई टीचर कर सकता, ना कोई पेरेंट कर सकता, ना कोई सरकार कर सकती, जो नीतिकार है उनको धरातल पे आना पड़ेगा। सरकार तो कर सकती है? नहीं, सरकार कर नहीं सकती, सरकार उनको सजेस्ट कर सकती है, ब्यूरोक्रेट्स की ईगो प्रॉब्लम जो होती है वो इस चीज में आ जाती है और वो उनको नहीं मान सकते। सर मेरी परसेप्शन थोड़ी दूसरी है, कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से ना अभिमन्यु पैदा होता है ना अर्जुन पैदा होता है, द्रोणाचार्य है नहीं हमारे पास ना कृपाचार्य है, लेकिन जो शिक्षक हैं उनके अंदर भी इतना टैलेंट होना चाहिए कि वो एक ग्रूमिंग कर सकें विद इन स्कूल। बस्तों का बोझ कम करना है हमको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ डिजिटलाइज हो जाए,
जो लेखनी में ताकत है वो आप कंप्यूटर के थ्रू नहीं उकेर सकते, और जो सिलेक्शन है चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं चाहे यूनिवर्सिटीज हैं चाहे कुछ भी है एनीथिंग, वहाँ पर जो सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया होना चाहिए उसका लेवल इंक्रीज होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो आगे ग्रूम होकर आएंगे, क्योंकि आप कहते हैं आईएएस आईआईटी बनना है, किसी भी पांचवी क्लास के बच्चे से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो वो नहीं बनना चाहता आईआईटी आईएएस, उसके अंदर वो चीज़ घुसाई जाती है। जो आज शिक्षा के क्षेत्र में जो निजीकरण हुआ है उसमें हर पेरेंट्स जो इस तरफ जा रहा है कि महंगे से महंगे स्कूलों की तरफ जा रहा है, वो नैतिकता का रास्ता भूलता जा रहा है। तो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि नैतिकता कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, वो महंगे से महंगे स्कूलों में जाने के उसमें अपने बच्चे को अच्छाई बुराई के रास्ते पर नहीं चला रहा, कहीं ना कहीं वो एक ऐसी खाई में धकेलने की कोशिश कर रहा है। भिवानी में इस वक्त है बहुत सारे मुद्दे पर हम बात करते हैं, और आज जो तरह से शिक्षा को लेकर तमाम तरह की कोशिशें होती हैं कि शिक्षा प्रणाली में बहुत जल्दी बदलाव आने चाहिए, कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई, बहुत सारे सुझाव दिए गए, सभी को पता है कि बदलाव किस तरह से आएंगे, लेकिन अब ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा बातें न की जाएं, बल्कि काम किए जाएं, और उनको उन कामों को करने के लिए पेरेंट्स को भी आगे आना होगा, टीचर्स को भी आगे आना होगा, सरकारों को भी आगे आना होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं, उन दिक्कतों से बच्चों को बचाना है, यही इस वक्त हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस तमाम बातचीत में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास पेशकश में, अपने कैमरा पर्सन सुमित ललित और अपने सहयोगी दीपक के साथ मैं नासिर कुरैशी जनता टीवी के लिए।